क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी कौन सा हाउस ऐसा है जिसने इसकी फ्रेग्रेंस को डेलन ब्लू को क्लोन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ओपन एयर आया हूँ। कुछ मौसम बड़ा प्लेजेंट सा था, मेरा दिल किया मौसम को देख के यार वीडियो बना लेनी चाहिए। तो आज जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर डिस्कशन करनी है ये है डेलन ब्लू बाय वर्साची। ये फ्रेग्रेंस एक अच्छी फ्रेग्रेंस है, डिसेंट फ्रेग्रेंस है। वर्साची के अपने लाइनअप के अंदर दो ऐसी फेमस फ्रेग्रेंसेज हैं जिनमें से एक ये है और एक वर्साची एरोस है। तो बहरहाल इस पर मेरी फाइनल वर्डिक्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल बहुत से भाई लोग भाइयों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा, मेरे से ज़्यादा आप इसके बारे में जानते होंगे ये फ्रेग्रेंस कैसी है। बहरहाल जिन भाइयों ने नहीं यूज़ किया तो एक आपको अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करूँगा, और इसके ऊपर फाइनल वर्डिक्ट मेरी क्या है, इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा। फ्रेग्रेंस 100 ml की बोतल में भी आती है, 200 ml की बोतल में भी आती है, लेकिन अमूमन 100 ml की बोतल ही हमारे यहाँ बाई की जाती हैं, जबकि 200 ml वाली बोतल शायद सस्ती पड़ती है और बेहतर होती है, कि दो तीन तीन 4 हज़ार रुपये में ऑलमोस्ट क्वान्टिटी डबल हो जाती है। बहरहाल 100 ml की बोतल जो मेरे पास है मैं इसी की बात करूँगा आपसे। मैंने इसे फर्स्ट टाइम जब बाई किया था 7600 में बाई किया था, मतलब लास्ट सेकेंड लास्ट टाइम, और जो मैंने अब बाई की है तो ये मुझे मिली है तकरीबन 8000 रुपीज़ के आसपास। वैसे इसकी प्राइस जो है 76 से लेके 8000 के अंदर अंदर मिल जाएगी बहुत से ऑनलाइन स्टोर्स पे, या कोई आप और अदर स्टोर्स, फिजिकल स्टोर्स पे अगर आप देखेंगे ना तो ये फ्रेग्रेंस की प्राइस अप्रॉक्सीमेट आपको मिलेगी 850-9000 रुपये के आसपास। तो वो ज़्यादा प्राइस है, ओवर प्राइस है, मैं इस प्राइस को रिकमेंड नहीं करता। ये मुझे 8000 रुपये में क्यों मिली, 2017 का बैच था, तो मुझे इस वजह से था कि यार चलो पुराना बैच पड़ा हुआ है, मैच्योर हो गया होगा तो मैं इसको बाय कर लेता हूँ। बहरहाल जैसे इसकी 8000 रुपये से नीचे नीचे प्राइस है। अब फ्रेग्रेंस कैसी है, बहुत ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। बहुत से लोगों का इसके बारे में ओपिनियन है कि ये डियोर स्वाज का या ब्लू डिशनैल के साथ रिजेंबलेंस रखती है। एग्जैक्ट वैसी टोने नहीं कह सकते कि जिस तरह बिल्कुल एक ब्लू डिशनैल है या ब्लू या डियोर स्वाज वैसी फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन किसी ना किसी हद तक ये ओपनिंग में रिजेंबलेंस डियोर स्वाज जैसी ही देती है। एरोमेटिक टोन इसमें ज़्यादा है, ओपनिंग सिट्रसी है, ब्लैक पेपर का टोन वैसे ही आता है, लेकिन इसमें जो एरोमेटिक है, एरोमेटिक टोन बड़ा प्रॉपर है। एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा कड़वा सा या शार्प सा या तेज़ सा फ्रेग्रेंस हो जाती है पौधों की पत्तों की खुशबू, वो थोड़ी सी इसमें ज़रा बड़ी बैलेंस ही है। पचूली का टोन है, उसके अलावा काफ़ी लीव्स टाइप के टोन इसके अंदर मिल जाते हैं। बाकी इसका ड्राई डाउन जो है वो ज़रा एम्ब्रॉक्सिंग टाइप का, या थोड़ा सा जिस तरह एक ना डियोर सवाज की ही मिसाल आपको देता हूँ, उसमें जिस तरह निचला ड्राई डाउन बड़ा सॉफ्ट सा स्वीट सा है ना, उस तरह का ही इसका सॉफ्ट सा स्वीट सा है। ओवरऑल जो फ्रेग्रेंस है ऊपर से लेके नीचे तक बैलेंस्ड है, लेकिन इसमें जो प्रॉपर टोन मुझे महसूस हुआ ना, मुझे इसमें एक्वेटिक टोन के साथ ना सिट्रसी एक्वेटिक और जो इसका टोन है ना एरोमेटिक टाइप का, वो ज़्यादा महसूस हुआ। इसका जो ड्राई डाउन है या बेस नोट्स है ना, वो इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है जितने इसके ऊपर वाले दो फेसेस के टोन प्रोमिनेंट है। बहरहाल ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आपके साथ शेयर किया। फ्रेग्रेंस की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, अच्छा लास्ट करती है। मेरे पास तो खैर बैच 2017 वाला है, मैंने 2020 वाला भी एक्सपीरियंस किया है, वो भी बेहतर है, डिसेंट परफॉर्मेंस देता है। आजकल ज़्यादा सब गर्मी के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हमने सुबह लगाई भी हो तो हमें इवन के शाम तक हमें 9 to 9 तक की परफॉर्मेंस दे, तो ऐसा नहीं होता। अच्छी डिसेंट परफॉर्मेंस 5 से 7 घंटों की ब्रैकेट है, सख्त गर्मी के अंदर 5 घंटे भी चल जाए तो बहुत अच्छी ब्रैकेट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्श मौसम आगे आ रहा है। वैसे इसकी डिसेंट परफॉर्मेंस है, तकरीबन कोई 6 से 8 घंटों के आसपास ये लास्ट करती है। इसका स्याज मुझे कहीं ना थोड़ा सा वीक महसूस होता है, ज़्यादा जो होती है प्रोजेक्शन लगाए हों तो फैल जाए, वैसी प्रोजेक्शन नहीं है। लेकिन ये है कि ये फ्रेग्रेंस मास अपीलिंग है, कंप्लीमेंट मिलते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ब्लू डिशनैल जिस तरह उसके कम्प्लीमेंट मिलते हैं वो नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वैसा है ना लोगों के हमारे हमारे अपने माइंड में आता है कि ये वैसी फ्रेग्रेंस है, तो वैसा नहीं है। उसके कम्प्लीमेंट जिस तरह उसके बहुत मिलते हैं ना, इस तरह इसके कॉम्प्लीमेंट इतने ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन मिलते हैं। ओवरऑल फ्रेग्रेंस ज़बरदस्त है। अब मेरी इसके ऊपर क्या वर्डिक है, मैं इसके ऊपर वर्डिक करूँगा। मुझसे बहुत से भाइयों ने क्वेश्चन पूछा कि यार हमें ना पहले तो पूछते हैं कि हमें 2 से 3 हज़ार रुपये की रेंज की फ्रेग्रेंसेज बताएं, फिर अगर अपर रेंज में है तो 5 हज़ार रुपये तक की फ्रेग्रेंसेज। अब बहुत सी ऐसी फ्रेग्रेंसेज हैं हमारे पाकिस्तानी हाउसेज के अलावा जो इस रेंज में आती हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस कोई नहीं है। और अगर इससे थोड़ी सी और ऊपर चले जाएं, डिज़ाइनर हाउसेज की तरफ को चले जाएं, जैसे बुल्गारी की फ्रेग्रेंसेस हो गई, वर्साची की ये फ्रेग्रेंसेस हो गई, उसके अलावा डॉल्जी गबाना की लाइट ब्लू या इंटेंस इस तरह की जो फ्रेग्रेंसेस हो गई,
इनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है, ये 10,000 रुपये से नीचे नीचे की ब्रैकेट के अंदर आ जाती हैं, तकरीबन 8,000 8,500 रुपये की ब्रैकेट में मिल जाएंगी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि मैं बहुत कन्फ्यूज़ होता हूँ ऐसे ना क्वेश्चन को आंसर करने में कि यार मैं ऐसी कौन सी फ्रेगरेंसेज को रिकमेंड करूँ कि जो 8-7 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर हो, डिज़ाइनर हाउस भी हो, पॉपुलर भी हो और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। देखिए बहुत सी ऐसी फ्रेगरेंसेज हैं, अब नाम लेने लगूँ तो डॉल्जी गबाना की भी हैं, उसके अलावा एक्वा जो है कि सीरीज़ उसकी बुल्गारी की वो भी है, लेकिन परफॉर्मेंसेज कहीं ना कहीं उनकी वीक हो जाती हैं क्योंकि समर से रिलेटेड फ्रेगरेंसेज है ना, उसमें परफॉर्मेंसेज वीक हो जाती हैं। तो इवन के वर्साची के अपने ही लाइनअप के अंदर, ये फ्लैंकर है ना वर्साची पोरम का या वर्साची का यूफ्रेची का, इस तरह की जो फ्रेगरेंसेज हैं इनके अपने ही हाउसेज की फ्रेगरेंसेज भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, जबकि वो इससे 1,000-2,000 रुपये सस्ती भी हैं, लेकिन परफॉर्मेंसेज नहीं है। तो मैं ओवरऑल इसको इस ब्रैकेट में इसको एक प्लस पॉइंट ये दूंगा कि यार ये एक 8,000 रुपये की सीरीज़ के अंदर ना, एक रेंज के अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर ये एक अच्छी इन्वेस्ट करने वाली फ्रेगरेंस है कि आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने बाय करना हो तो कोशिश करें कि इसको पिछले बैच को ढूंढें, आपको कहीं से कोई अगर 2-4-5 सौ महंगा भी मिल जाए तो खैर है, लेकिन बैच पिछला हो जाए तो बहुत बेहतर है, ये मेरी ओपिनियन है। ओवरऑल मैं इसको रिकमेंड करता हूँ इसकी प्राइस ब्रैकेट के हवाले से और इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से और इसकी फ्रेगरेंस के हवाले से। फ्रेगरेंस भी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, प्राइस ब्रैकेट भी, एक डिज़ाइनर हाउस है, एक वेल नॉन नाम है और एक अच्छी डिसेंट फ्रेगरेंस है, तो मेरा ख्याल है कि ये इस प्राइस ब्रैकेट में ये ठीक है। बाकी है, एक इसकी फ्रेगरेंस जो है हमारे पाकिस्तानी हाउसेज में भी है, क्लोन है। आपसे क्वेश्चन है, मैं इंशाल्लाह ज़रा उसमें भी वीडियो बनाऊंगा। क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी कौन सा हाउस ऐसा है जिसने इसकी फ्रेगरेंस को डेलन ब्लू को क्लोन किया है, तो ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।